एमपी में फिर शुरू होगा भारी बारिश का दौर। अगले 3 दिन तक कई इलाकों में तेज बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया एक्टिव हो रहा है और पूर्वी और दक्षिण एमपी में इसीलिए तेज बारिश देखी जा सकती है। एमपी में फिर से अब भारी बारिश का दौर शुरू होगा। बीते कुछ दिनों से फिर भी धूप निकल रही है, खिली खिली धूप निकल रही है, लेकिन अब जानकारी ये मिल रही है कि अगले 3 दिन तक कई इलाकों में तेज बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया एक्टिव होने की वजह बताई जा रही है, जिससे पूर्वी और दक्षिण एमपी में तेज बारिश की संभावना जताई जा रही है। वहीं छत्तीसगढ़ का मौसम कह रहा है कि छत्तीसगढ़ में भी जमकर बरसेंगे बदरा। अगले 5 दिनों में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। रायपुर और दुर्ग संभाग में छाए रहेंगे बादल। दक्षिण बस्तर समेत आसपास के इलाकों में नमी बढ़ी है और मौसम विभाग ने इसीलिए अलर्ट भी जारी कर दिया है। अगले 5 दिनों में भारी बारिश की संभावना छत्तीसगढ़ के तमाम इलाकों में जताई जा रही है। खासकर रायपुर और दुर्ग संभाग में बादल छाए रहेंगे। दक्षिण बस्तर समेत आसपास के इलाकों में नमी बढ़ गई है, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। मेरे साथ मेरे दोस्त सहयोगी दीपक द्विवेदी भोपाल से, खोमन साहू रायपुर से जुड़ गए हैं, इनसे मौसम के अपडेट्स ले लेंगे। दीपक, सबसे पहले आपका रुख करूंगी क्योंकि आज से शुरू हो रहा है एक बार फिर से मॉनसून का एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव हो रहा है। क्या कहता है फिर मध्य प्रदेश का आने वाले दिनों में मौसम? जी बता दें, यदि मौसम विभाग की माने तो मौसम में अब करवट होने वाली है। कारण यह है कि लगातार जो गर्मी का दौर था, उमस का दौर था, वो खत्म होने वाला है क्योंकि लोकल सिस्टम पहले एक्टिव थे, उसके चलते कुछ जगहों पर जरूर बारिश का दौर देखने के लिए मिला है। पर 24 तारीख से, मतलब कल से, जो आज लो प्रेशर सिस्टम बनेगा उससे पूर्वी और दक्षिणी मध्य प्रदेश में भारी बारिश की संभावनाएँ जताई जा रही। तो अब बदरा फिर से झमाझम बरस सकते हैं मध्य प्रदेश में और इसी को लेकर पूर्व से ही मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया, उन्होंने अलर्ट जारी किया है और लोगों से भी यही अपील की है कि यदि गरज चमक के साथ बारिश होती है तो वे अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। तो बिल्कुल, कह सकते हैं अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जो है मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। और छत्तीसगढ़ में यह मिल रहा है जानकारी खुमन की 5 दिनों तक भारी बारिश देखी जा सकती है छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में, और क्या इस पर जानकारी? देखिए अंजलि, 5 दिनों तक लगातार बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। हालांकि एक दिन पहले लगातार, कल अगर देर शाम की बात कीजिए तो राजधानी रायपुर में लगातार बारिश हो रही थी। इसके अलावा अलग अलग जिलों में कल जमकर बारिश हुई है और आने वाले दिनों में भी ठीक इसी तरीके की बारिश आपको देखने को मिलेगी। हालांकि जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है उसके बाद प्रशासन भी अलर्ट हो गया है, क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा था बस्तर में किस तरीके से जब बारिश हुई थी तो घर ढह गए थे, कई ऐसे नदी नाले थे जो उफान पर आ गए थे। तो इसके कारण जो प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है कि अलग अलग जिलों में अगर बारिश होती है 5 दिनों तक लगातार, तो उसके लिए जो SDRF की टीम है उसको तैनात रहने की बात की गई है। और आने वाले दिनों में, हालांकि लगातार जो उमस भरी गर्मी थी 3-4 दिनों तक राजधानी रायपुर में लोग बहुत परेशान हो गए थे, लेकिन जिस तरीके से अब बारिश होने वाली है लोगों को गर्मी से बिल्कुल उमस वाली गर्मी से राहत मिलेगी। प्रशासन को भी मुस्तैद रहने के लिए बोल दिया गया है। मौसम विभाग ने भी अपने स्तर पर अलर्ट जारी कर दिया है, फिर चाहे मध्य प्रदेश की बात करें या छत्तीसगढ़ की बात करें।